दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं कि मुख्य सेविका और सभी एग्जामों में आने वाले गरीबी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखते हैं। तो गरीबी की बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है रेगनर नरकसे। रेगनर नरकसे ने क्या कहा गरीबी के बारे में? तो रेगनर नरकसे ने यह कहा, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये रेगनर नरकसे का परिभाषा है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है? क्यों भाई साहब? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये अगर गरीब है तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी गरीब होंगे, वो भी उनको और इनके बच्चे को अच्छी खासी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, शिक्षा भी बेकार मिलेगी। उसके बाद इनके बच्चों को पोषण भी अच्छा खासा नहीं मिलेगा, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए पर्यावरण या अच्छा खासा स्कूल नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये एक गरीब है तो ये आने वाले सभी लोग गरीब हो जाएंगे, इसलिए उसकी मानसिकता हो जाती है। तो उससे बाहर निकलने के लिए उसे बहुत अच्छा बल चाहिए, बात समझ में आया? तो इसलिए कहा गया कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह क्या है, गरीब है। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें गरीबी क्या है। अगर आपसे पूछ लें और परिभाषा के बारे में तो गरीबी क्या है, एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है। क्या है? सामाजिक आर्थिक स्थिति है, समाज में व्याप्त जो पैसा का है स्थिति है उसी को क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। धन दौलत की जो स्थिति है उसी को कहते हैं गरीबी, ठीक है। इसमें क्या होता भैया साहब, इसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरा नहीं कर पाता, अपनी मूलभूत आवश्यकता, सॉरी, इसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरा नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। क्या हो गया, मूलभूत आवश्यकता क्या है? पहले मूलभूत आवश्यकता से केवल मतलब इतना था, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब ये मूलभूत आवश्यकता तो है ही है, इसके साथ साथ अब क्या इसमें जोड़ेंगे, शिक्षा, ये भी जरूरी है। उसके बाद उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा, क्या है उसके पास, स्वास्थ्य सुविधा, ये भी जरूरी है। और क्या जरूरी है, गरिमापूर्ण जीवन, मतलब सम्मान सहित जीवन, ये उसकी अब मूलभूत आवश्यकता इतनी हो गई है। अगर ये उसको नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है। क्लियर है, आगे बढ़े। जी हाँ, अब देखिए प्रोफेसर अमृत सेन ने क्या कहा परिभाषा, प्रोफेसर अमृत सेन ने क्या कहा गरीबी की परिभाषा, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा भाई गरीबी क्षमताओं का अभाव है। क्या कहा कि जो गरीबी है ये क्षमताओं का अभाव है, मतलब आपके पास हाथ पैर नहीं है और चीज़ें नहीं हैं, आपके पास क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, उसी के अभाव को क्या कहा इन्होंने, गरीबी कहा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या गरीबी की परिभाषा दे दी, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर कोई आदमी 1.9 US डॉलर, 1.9 अमेरिकी डॉलर से प्रतिदिन आय नहीं है, प्रतिदिन आय नहीं है उसकी, तो वो क्या है, गरीब है। लेकिन ये गलत है क्योंकि हर एक देश में हर एक चीज़ की कीमत एकदम एक्यूरेट नहीं है, इसलिए परिभाषा मान नहीं है। ये बातें अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में आते हैं, भारत में गरीबी के बारे में बात करते हैं। गरीबी किसने किसने क्या क्या बताया, आइए देखिए। तो सबसे पहले भारत में कौन बताया, सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने बताया, दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के बारे में बताया। इनकी एक किताब आपको याद रखना है, पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी क्या है, किताब है। किनकी, दादा भाई नौरोजी की। इस किताब में इन्होंने क्या कहा, ठीक है, तो इन्होंने इस किताब में लिखा है कि एक आदमी की इनकम 20 रुपया, कहीं कहीं आपको मिलेगा 16 से 35, इसके बीच में, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं एक्यूरेट दे देगा परीक्षा वाली जैसे किताबों में, 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। अगर कोई भाई, अभी किस सन की बात बोल रहे हैं, 1878 में, 1878 में अगर किसी व्यक्ति की आय 20 रुपया प्रतिवर्ष नहीं है तो वो गरीब है। इन्होंने पहली बार निर्धारण किया भारत में गरीबी का, ठीक है। दूसरा बात करते हैं,
जी हाँ, दूसरे बात करें कौन भैया, एक समिति बनी जिसका नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय योजना समिति। आइए इसके अनुसार बात करते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार क्या इन्होंने बताया, तो राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार गरीबी कब बताया गया, 1938 में बताया गया। और ये गठन किसने किया, गठनकर्ता पूछ ले आपसे कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्र बोस हैं। और आपसे पूछे भाई साहब अध्यक्ष कौन थे इस समिति के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या बताया भाई साहब, इन्होंने क्या बताया, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर वही खाना के आधार पर, कितना खाना किसको चाहिए कि अगर उसको नहीं मिल रहा तो गरीब है, पोषण के आधार पर गरीबी का क्या क्या निर्धारण किया, किसने, राष्ट्रीय योजना समिति ने। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है, बॉम्बे प्लान आता है, कौन आता है, बॉम्बे प्लान। इन्होंने सिर्फ पोषण के आधार पर बताया कि उसको इतनी कैलोरी नहीं मिलेगी तो इंसान क्या है, गरीब है। बॉम्बे प्लान का स्थापना कब हुआ, 1944 में। इन्होंने गरीबी के बारे में क्या बताया कि अगर कोई आदमी 75 रुपया प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है, प्रति व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है, मतलब एक आदमी अगर 75 रुपया एक साल में नहीं कमा पा रहा है, नहीं खर्चा कर पा रहा है अपने ऊपर, तो आदमी क्या है, गरीब है। 1944 अब तक हमने क्या पढ़ा, भारत आज़ाद नहीं था। ठीक है, अब आज़ादी के बाद गरीबी क्या है, आज़ादी के बाद की बात करते हैं। आज़ादी के बाद में सबसे पहले क्या बना, नीति आयोग ने एक समूह बनाया था, उस समय योजना आयोग था, तो पहली बात योजना आयोग विशेष समूह, योजना आयोग विशेष समूह, योजना आयोग ने एक समूह बनाया कि कौन गरीब है कौन अमीर है कैसे पता किया जाए, तो योजना आयोग ने एक विशेष समूह बनाया। कब बनाया था, 1962 में, गरीबी को पता करने के लिए। ठीक है, तो इस समिति ने क्या बताया, इस समिति ने यह बताया भैया, समूह ने बताया कि ग्रामीण में, ग्रामीण में कितना, 20 रुपया, 20 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति आय, अगर कोई नहीं कमा पा रहा है, अपने ऊपर नहीं खर्चा कर पा रहा है, तो वो इंसान क्या है, गरीब है। शहरों में इन्होंने क्या बता दिया कि अगर कोई आदमी 25 रुपया नहीं कमा पा रहा है अपने लाइफ में एक साल में, तो वो क्या है, गरीब है, अपने ऊपर नहीं खर्च कर पा रहा है। बात क्लियर है, आगे बढ़े, ये हो गया हमारा इस समिति के अनुसार। और फिर आगे अगले आज़ादी के बाद दूसरा क्या आया, दूसरा आता है V.M. दांडेकर, ये इंपॉर्टेंट है, V.M. दांडेकर एंड एन रथ फार्मूला। इन्होंने क्या बताया गरीबी के बारे में, तो इन्होंने क्या बताया, आइए इनको भी निपटाते हैं। तो सबसे पहले ये कब आया, 1971 में आया, ये प्रथम वैज्ञानिक गणना है, कैसी, प्रथम वैज्ञानिक, इम्पोर्टेंट। कहेंगे वैज्ञानिक कैसा भाई साहब, क्योंकि इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे का इन्होंने क्या किया, जो नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्होंने रिपोर्ट का प्रयोग किया, और उस रिपोर्ट में क्या था, उपभोग के खर्चे के आंकड़े, उपभोग के खर्चे के आंकड़े, मतलब एक भारतीय कितना अपने ऊपर खर्चा करता है, कितना क्या कौन सी चीज़ें वो उपभोग करता है, ब्रश से लेकर के उसके सोने तक, दूध पीने तक, सारा सिस्टम इसमें बताया गया था, तो उसका इन्होंने प्रयोग किया। और यानी उससे कौन सा डाटा इन्होंने लिया था, 1960 से 61 वाला डाटा, एक साल का इन्होंने लिया था। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी एक आदमी, कोई भी एक आदमी अगर अपने 2250 कैलोरी नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब अपने खाने के लिए इतना कैलोरी अगर वो नहीं प्राप्त कर पाता अपने लाइफ में, कितना, 2250 कैलोरी एक दिन में अगर खाना नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह क्या है, गरीब है, ऐसा इन्होंने बताया था। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब अगला समिति क्या बताई, अगला समिति क्या है, अलग समिति, क्या है, अलग समिति। अलग समिति कब आई, तो अलग समिति आई थी 1979 में। इन्होंने क्या बताया, ये मुद्रा स्फीति माने महंगाई को भी ये ध्यान में रखे, मुद्रा स्फीति को इन्होंने क्या बनाया, आधार बनाया। पूछा जाता है कि मुद्रा स्फीति को आधार कौन बनाया, तो इन्होंने बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि गांव में, गांव में अगर कोई भी आदमी 49 रुपया
कोई भी आदमी 49 रुपया प्रति व्यक्ति अगर प्रति माह नहीं कमा पाता या अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाता तो वो आदमी क्या है, गरीब है। दूसरा, शहर में क्या बता दिया इन्होंने, 56.60 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह नहीं कमा पाता शहरों में, तो वो इंसान क्या है, गरीब है, ये भी इन्होंने साफ साफ बताया, क्लियर है। अगला समिति क्या नाम है, अगला समिति है लकड़ा वाला समिति, लकड़ा वाला समिति। इन्होंने क्या बताया लकड़ा वाला समिति ने, आइए निपटा लेते हैं। तो लकड़ा वाला समिति कब आया था, 1989 में आया। इन्होंने हर एक राज्य का अलग अलग बताया, हर एक राज्य का अलग अलग गरीबी बताई, अलग अलग बताया किसने, लकड़वाला समिति ने। कब आई थी, 1989 में। आधार क्या बताया था इन्होंने, आधार क्या बताया कि जो शहर है, शहर में जो औद्योगिक है, जो उद्योग है, उद्योग में जो श्रमिक हैं उनके प्रतिदिन क्या उपभोग कर रहे हैं उसका खर्चा, और गांव में किसका इन्होंने डेटा लिया, तो गाँव में भैया जो कृषि करने वाले मजदूर हैं उनका डाटा इन्होंने लिया, ठीक है, और उनके उपभोग का खर्चा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों का क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन किया। उन्होंने क्या क्या यूज करते हैं अपने लाइफ में उनका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या दिया, अपना डाटा दिया, और जब डाटा दिया तो इन्होंने क्या बताया कि गाँव में भाई, गाँव में कितना, गाँव में अगर कोई आदमी 205 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, औसतन डाटा है ये, प्रतिमाह अपने ऊपर नहीं खर्चा कर पा रहा है तो गरीब है। शहर में कितना, 281 रुपया, अगर शहर में 281 रुपया एक महीने में नहीं खर्चा कर पा रहा है तो वो इंसान क्या है, गरीब है, इन्होंने ऐसा बताया। फिर आगे क्या हुआ, अगला कमेटी क्या आई, सुरेश तेंदुलकर समिति आई। कब आई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई। ये कब आई भाई साहब, तो सुरेश जो तेंदुलकर कमेटी आई ये 2009 में आई। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, इन्होंने रिपोर्ट दिया भाई साहब शहरों में कितना, शहरों में अगर कोई आदमी 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह नहीं कमा पाता, अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाता तो याद रखना वो क्या है, गरीब है। गांव में कितना बताया, 816 रुपया इन्होंने गांव में बताया, अगर नहीं कमा पा रहा है वो इंसान क्या है, गरीब है, ठीक है। फिर आते हैं कौन, सी रंगराजन समिति आई। इन्होंने क्या बताया, ये रिपोर्ट कब लेकर के आए, 2012 में। सी रंगराजन कब लेकर के आए, 2012 में। इन्होंने क्या अपने रिपोर्ट में दिया, इन्होंने कहा शहर का कोई भी आदमी अगर 1407 रुपया नहीं कमा पा रहा है प्रति महीना तो गरीब है, नहीं खर्च कर पा रहा है अपने ऊपर, और गांव का कोई भी आदमी 972 रुपया प्रति महीना नहीं कर पा रहा तो क्या है, गरीब है। इन्होंने कैलोरी के बारे में बताया कि अगर कोई भी शहर का आदमी 2090 कैलोरी अगर नहीं ऊर्जा प्राप्त कर पा रहा है एक दिन में तो गरीब है, ये याद रखना, और गांव में 2155 कैलोरी अगर नहीं ऊर्जा प्राप्त कर पा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। आगे बढ़ें, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम, जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई गरीबी के प्रकार कितने होते हैं, गरीबी के प्रकार। तो भाई साहब गरीबी दो प्रकार की होती है, गरीबी कितने प्रकार की, दो, एक होती है निरपेक्ष गरीबी, एक होती है निरपेक्ष गरीबी और एक होती है सापेक्ष गरीबी। अब कहेंगे कौन भैया सापेक्ष है, कौन निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है भैया, गरीबी कैसे मापते हैं, एक गरीबी रेखा द्वारा, गरीबी कैसे मापते हैं, गरीबी रेखा के द्वारा गरीबी मापी जाती है। जैसे एक लाइन होगा कि इतना रुपया एक आदमी कमाना चाहिए, उसके ऊपर जो होगा वो अमीर होगा, मतलब गरीबी रेखा नहीं आएगा, उससे नीचे जो आएगा उसे गरीबी रेखा, जैसे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बीपीएल लाइन है, गरीबी रेखा की बीपीएल लाइन है, पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे इससे जो कम कमाएगा वो गरीब है। मान लेते हैं 100 रुपया एक देश का औसतन आया, तो अगर ये 90 रुपये कमा रहे हैं तो इसमें आएंगे, 101 कमा रहे हैं तो उधर जाएंगे, तो इन्हें एपीएल कहा जाता है, एबव पॉवर्टी लाइन, और यह बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो इनको ये है निरपेक्ष गरीबी। बात क्लियर है? अब कहेंगे कैसा भैया साहब, जो आदमी इस गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निरपेक्ष गरीबी। अभी जितनी हमने गरीबी पीछे पढ़ा है वो सभी लोग निरपेक्ष गरीबी के ही बारे में बताए हैं। बात समझ में आया? ये गरीबी कहाँ पाई जाती है? विकासशील देशों में। कहाँ भैया? विकासशील, जैसे भारत देशों में ऐसी गरीबी पाई जाती है, विकासशील देश में ये निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। बात समझ में आया? क्यों? अब मतलब निरपेक्ष गरीबी ऐसी है जिसमें न तो भोजन मिल पाता है ढंग का, वही लोग आएंगे, न तो जल अच्छा खासा मिल पा रहा है, न आवास की अच्छी खासी सुविधा है, न शिक्षा उनको अच्छी खासी मिल पा रही है, न उनको अच्छे स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था हो पा रही है, और उनको सूचना भी समय समय पर पूरा नहीं मिल पा रही है। अगर किसी के पास इतना अभाव है, सूचना का अभाव है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? निरपेक्ष गरीबी में आ जाता है। बात समझ में आ गया? अब सापेक्ष गरीबी क्या है, आइए सापेक्ष गरीबी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें किसी एक आदमी, मैंने औसतन निकाल दिया जाएगा, समाज के औसत व्यक्ति की जो तुलना होगी, औसत जो आदमी होगा उसकी तुलना किसी एक व्यक्ति की स्थिति और अभाव से किया जाएगा। कहने का मतलब, जैसे हम प्रति व्यक्ति आय निकाल दिए, प्रति व्यक्ति आय हमने क्या किया, निकाल दिया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के बाद हम इस आदमी की, ये पूरे देश का है, और हम किसी एक आदमी की तुलना करेंगे, इस आदमी की अगर इनकम प्रति व्यक्ति आय से कम है तो ये गरीब है। बात समझ में आ गया? और इस व्यक्ति की आदमी प्रति व्यक्ति आय से अगर इसकी इनकम जो है इससे ज़्यादा है तो ये अमीर हो गया। बात क्लियर है? कहने का मतलब ये हो गया कि समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति की आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। मतलब कहने का ही हो गया, आज हमारे भारत में क्या है, 10% लोगों के पास पूरे भारत पूरे सब कुछ पैसा है, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, ये तो ये गरीब में आ गए, ये 10% क्या हो गए, अमीर है। वही हमारी क्या है, सापेक्ष गरीबी है। बोलो समझ में आ गया? ये बातें आपको याद रखना। सापेक्ष गरीबी का मापन कैसे होता है? तो सापेक्ष जो गरीबी का मापन होता है ये गिनी गुणांक से होता है। कैसे होता है? गिनी गुणांक से होता है, या फिर बोले लारेंज वक्र से होता है, ये दोनों से सापेक्ष गरीबी मापी जाती है। तो आइए एक एक करके इनको भी निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लारेंज वक्र की। क्या है लारेंज वक्र? आइए, कब आया था लारेंज वक्र, तो ये भी पूछा जाता है, 1905 में। ठीक है, लारेंज वक्र क्या है? इसमें पूरे देश की जीडीपी इधर रहती है, या फिर पूरे देश की आय इधर रहती है, और यहां रहती है क्या, जनसंख्या। यहाँ क्या रहती है, जनसंख्या। ठीक है, होना क्या चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये आदर्श लारेंज वक्र है, एकदम सीधे 45 डिग्री पे आदर्श लारेंज वक्र ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये है। अब कहोगे क्या है भाई साहब, ये 45 डिग्री पे होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब कहने का कि अगर हमारे पास 10% रुपया है, 10% रुपया है हमारे पास, 10 पैसा है, तो ये जो 10 पैसा है 10% जनसंख्या में बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारे पास 20% या 20 रुपया है, तो ये 20% जनसंख्या में क्या होना चाहिए, बटना चाहिए। अगर हमारे पास 30% रुपया है, तो ये 30% जनसंख्या में बटनी चाहिए। अगर हमारे पास 40% रुपया है, तो ये 40% संख्या में क्या होना चाहिए, बटना चाहिए। क्लियर है? ये होती है हमारा आदर्श लारेंज वक्र। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये होती है ऐसा बटता है ऐसा। ये हो गया मतलब कहने का। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए, ये बहुत कम पैसा है, 10 से कम 8% मतलब 8% पैसा 10% में बक रही है, 5% पैसा 10 में बट रहा है। क्लियर है? अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये देखिए 20% पैसा ये 4% पे आएगा। मतलब कहने का हो गया कि हमारे पास जो पैसा है वो बहुत पैसा कम है, जनसंख्या ज़्यादा में बट रहा है। देखिए यहाँ इस वाले ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ का मतलब एक ही परसेंट हो गया, 1% 30% लोगों में बट रहा है। बताइए
ये गरीबी है कि नहीं है। मतलब कहने का ये हो गया कि ये मेरा आदर्श स्थिति है और ये आय में क्या है, आय में असमानता रेखा है, आय में असमानता का रेखा, आय में असमानता का रेखा है। अब ध्यान से सुनिए, कहने का हमारा मतलब ये हो गया कि इस ये आदर्श से देखिए, इसमें इसमें जो है यहाँ पे 10% लोगों में 5% बट रहा है, लेकिन इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में 20% पैसा, 4% पैसा 20% लोगों में बट रहा है। इस वाले लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे 3% पैसा, यहाँ लगभग 3% होगा, 30% लोगों में बट रहा है। मतलब कहने का, पैसा कम हो रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, आय में असमानता ज़्यादा हो रही है। मतलब इस रेखा से जितनी दूर हम भागेंगे आय में असमानता बढ़ेगी, आदर्श रेखा से जितनी दूर हम जाएंगे आय में असमानता बढ़ती है। कहने का मतलब, आदर्श रेखा से, आदर्श रेखा से जितनी दूर जाएंगे उतनी ही आय में असमानता होगी ता होगी। ठीक है, ये मतलब आदर्श रेखा से दूर जाएंगे आय असमानता होगी, आय में असमानता होगी, इसका मतलब गरीबी बढ़ेगी, इसका मतलब गरीबी बढ़ेगी। जैसे हम कह रहे हैं, हमारे पास ये हमारा ओरिजिनल रेखा है, एक रेखा, एक देश यक्स है, एक देश वाई है, एक देश जड़ है, एक देश जड़ है। जरा बताइएगा किसमें गरीबी, किसमें आय में असमानता सबसे कम होगी, तो सबसे कम एक्स में होगी, उसके बाद किस, उससे ज़्यादा किसमें होगी, फिर वाई में ज़्यादा होगी, जड़ में सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम आय में असमानता किसमें होगी, एक्स में, और सबसे ज़्यादा आय में असमानता किसमें होगी, जड़ में। क्या बोलो, समझ में आ गया? दूसरी हम क्या पढ़ेंगे, गिनी गुणांक। आइए, गिनी गुणांक क्या है, गिनी गुणांक इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो गिनी गुणांक क्या है भाई साहब, ये देखिएगा, वही चीज़ जो अभी हमने बनाया है, ये जनसंख्या हो जाएगी, यहाँ पे अपनी वो जीडीपी हो जाएगी, और ये अपना आदर्श रेखा हो जाएगा, और एक रेखा हम यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं 100% की रेखा है, ये इधर है, ठीक। अगर हम कह देते हैं आय में असमानता के क्षेत्रफल ये है, और ये इतना क्षेत्रफल क्यों इतना बच रहा है, ये बी है, ये भी इतना सा है, ठीक है। तो गिनी गुणांक क्या होती है, गिनी गुणांक अभी समझा देते हैं। गिनी गुणांक क्या होती है भाई साहब, गिनी गुणांक होती है आदर्श रेखा से, आदर्श रेखा क्या है, ये वाली आदर्श रेखा एंड वास्तविक रेखा के बीच का क्षेत्रफल, रेखा के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपान, अपान जो होगा क्या, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। अब आदर्श रेखा के बीच का क्षेत्रफल ये वाला, ये वास्तविक, ये है, ये वास्तविक रेखा है जो वास्तव में गरीब है, और ये आदर्श रेखा है। तो ये देखिए, ये आदर्श रेखा है, ये आदर्श है, ठीक है, ये आदर्श और ये वास्तविक, तो इनके बीच का क्षेत्रफल ए है, और कुल क्षेत्रफल ए प्लस बी है, ए प्लस कितना है, बी है, इसी को कहते हैं गिनी गुणांक। ये है हमारा गिनी गुणांक, इससे निकलता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर हम कह दें, हम कहें कि ए का मान बढ़ेगा, ए का मान बढ़ेगा मतलब हाई क्षेत्रफलवा नीचे आएगा, ये अगर ये नीचे आ जाए, मान लो ये नीचे आ जाए, तो ए का मान बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो, अब बताओ जब ए का मान बढ़ेगा तो हाई टोटल वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ये देखिए ए का मान अगर बढ़ेगा हाई टोटल वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ए का मान जब बढ़ जाएगा तेज़ी से, ए का मान जब बढ़ेगा, तो अब एक बात बताओ, जब बढ़ेगा तो आय में असमानता क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब ए का मान बढ़ने से गिनी गुणांक भी बढ़ता है, और गिनी गुणांक बढ़ेगा तो आय में असमानता क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया? इसका मतलब कि गिनी गुणांक अगर बढ़ेगा, गिनी गुणांक अगर क्या होगी, बढ़ेगी, तो आय में असमानता भी, आय में असमानता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये है हमारा, ये अगर कम होगा तो कम होगी, मतलब किस, अगर कोई देश गरीब नहीं है, इसका मतलब उसका गिनी गुणांक क्या होगा, कम होगा, गिनी गुणांक कम होगा, ये अच्छा संकेत है। क्या है, अच्छा संकेत है, क्लियर है, गिनी गुणांक कम होना अच्छा संकेत है, मतलब वो देश क्या है, अमीर है। बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब गरीबी रेखा की बात, गरीबी की बात करें, अगला बात करेंगे, एक इंडेक्स आता है बहु
आयामी गरीबी सूचकांक, आयामी गरीबी सूचकांक ये अच्छा इंडेक्स है, आपको याद रखना होगा, सूचकांक 2023, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 कौन बनाता है, द्वारा UNDP और जारी करता है भैया नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, ये दोनों मिलकर के इसे बनाते और जारी करते हैं। इसे साठ में कहा जाता है MPI, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसे MPI भी कहा जाता है। इसके कितने आधार हैं पूछ ले, कितने आधार हैं भाई, कितने आधार हैं इसके, तो 10 आधार हैं। पहला कौन कौन सा आधार है भाई साहब, पोषण, मतलब लोगों को कितना पोषण मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, ये चीज़। दूसरा बात करेंगे बाल मृत्यु दर, अगर बाल मृत्यु दर हो रही है इसका मतलब माँ में पोषण की कमी है। तीसरा बात करेंगे विद्यालय में जाने का वर्ष, विद्यालय में बच्चा कब जा रहा है, जाने का वर्ष, अगर बच्चा पोषण अच्छा खासा है तो जल्दी विद्यालय चला जाएगा, सियाना जल्दी होगा। अगर तीसरा चौथा बात करेंगे विद्यालय में उपस्थिति, विद्यालय में क्या चीज़, उपस्थिति, मतलब विद्यालय में उपस्थिति, कितने लोग पढ़ने जा रहे हैं। पाँचवा बात करेंगे भोजन पकाने का ईंधन, भोजन पकाने का ईंधन, किस पे भोजन पक रहा है गाँव में, भोजन पकाने का ईंधन, ये भी हम देखते हैं, इससे भी MPI निकालते हैं तब। छठवा बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधा यानी स्वच्छता, स्वच्छता की बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे पानी, पानी कैसा इंसान पी रहा है। आगे बात करेंगे बिजली, बिजली क्या वहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आगे बात करेंगे उनका छत कैसा है, घर कैसा है। अगला उनके पास कोई संपत्ति है कि नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आधार ये होते हैं क्या आपके MPI के, इसी बेस पे गरीबी निकाली जाती है। तो इसमें क्या हुआ, MPI 2023 क्या कहता है कि विश्व में 18%, विश्व में कितना, विश्व में 18% लोग क्या हैं, गरीब हैं, विश्व में 18% लोग क्या हैं, गरीब हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। कुल कितने में से, विश्व में 6.1 अरब लोग हैं, ये 2023 में डाटा इन्होंने बताया था, इनमें से 1.1 अरब लोग क्या हैं, गरीब हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। और भारत में बात करें, भारत में कुल टोटल 18.7% लोग क्या हैं, गरीब हैं, ये 10 सुविधा उनके पास नहीं है। 18.7 का मतलब 230 मिलियन लोग क्या हैं, गरीब हैं, 230 मिलियन लोग क्या हैं, गरीब हैं भारत में, ठीक है, 230 मिलियन डेटा आपको याद रखना है। लेकिन सबसे खास बात 2005-06 से लेकर के 2019 से 21 तक ये कहा गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 415 मिलियन लोग क्या हो गए हैं, गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। सबसे खास बात 415 मिलियन लोग क्या हो गए हैं, गरीबी से बाहर हो गए हैं, इम्पोर्टेंट लाइन हो गई, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। भारत में गरीबी को रेखा, गरीबी के बारे में गरीबी सूचकांक को मापती कौन है अगर पूछ ले, तो ये तो पूरा विश्व के लिए है। भारत में गरीबी सूचकांक को कौन मापती है, NSO मापती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये मापता है NSO, जिसकी स्थापना भी हाल ही में 2019 में हुई है। 2019 से पहले गरीबी नहीं मापी जाती थी क्या, मापी जाती थी, कौन मापता था, NSSO मापता था, और NSSO में क्या मिल गया, CSO, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, NSO, यही गरीबी अब क्या करती है, मापती है। बात क्लियर हो गया, पहले NSO मापती थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में CSO मिलाकर के CNSO बना दिया गया और ये गरीबी तब से मापती है। बात क्लियर हो गया। और गरीबी के निवारण के लिए हमने सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, इसे मनरेगा, इन सब के लिए आपको हम अलग से एक योजना का वीडियो लेकर के आएंगे, वहां पे सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। अगर ये गरीबी वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।